नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। नजर डालते हैं प्रदेश की दिन भर की बड़ी अपडेट्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी अपडेट के साथ। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को रोकने के लिए गहलोत सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। राज्य सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है, इससे अब मिनी लॉकडाउन जैसे हालात बन गए हैं। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दे, राज्य में कोविड की नई गाइडलाइन के अनुसार गृह विभाग ने अब सख्ती के आदेश दे दिए हैं। शराब की दुकानें भी अब प्रदेश भर में 5 बजे बंद होगी। अगर 5 बजे बाद कोई दुकान खुली मिलती है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश भी गृह विभाग ने जारी कर दिए हैं। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी अपडेट राजधानी जयपुर से आ रही है। कल से रोडवेज की बसों में कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू होगी। तय क्षमता से 50% कम यात्री ही अब बसों में सफर कर सकेंगे। किसी भी बस में खड़े होकर सफर नहीं कर सकेंगे। सभी श्रेणियों की बसों में ये नियम लागू होंगे और बसों को संचालन करने से पहले बसों को सैनिटाइज करना होगा। रोडवेज CMD राजेश्वर सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बाड़मेर से आ रही है। तिलवाड़ा पशु मेले को भी अब कोरोना की नजर लग गई है। कोरोना के चलते तिलवाड़ा पशु मेले को स्थगित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही में आपको जानकारी दे दे, 7 अप्रैल को ही तिलवाड़ा का पशु मेला शुरू हुआ था और अब प्रशासन ने 2 दिन में ही पूरे मेले ग्राउंड को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दे, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के निर्देशों के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को ऑफलाइन कक्षाओं को बंद कर दिया गया है और अब ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। इसी को देखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी से छात्रों का पलायन भी शुरू हो गया है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्र घरों की तरफ वापस लौटने लगे हैं। 50% ने हॉस्टल खाली कर दिए हैं। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।